वायरल यार सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है। एंड आज इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली मेरे को अर्बैनिक ने इतना बड़ा मिस्ट्री बॉक्स भेजा है, और ये सिर्फ एक नहीं दो नहीं तीन मिस्ट्री पैकेजेस भेजे, और ये बहुत ज्यादा हैवी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं खोलने के लिए क्या निकलेगा इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद दिस डिफरेंट लुकिंग ब्राउन बॉक्स, आओ इसको खोला जाए। वो खुशी नहीं आती एकदम से पैकेज खोलने की। ओके इसके अंदर एक और ब्राउन बॉक्स है। व्हाट, तो ये रहा हमारा बॉक्स। एंड सबसे पहले जो मुझे दिखता है एक नया लोगो अर्बैनिक का, ये मैंने कहीं नहीं देखा इससे पहले, कभी भी नहीं देखा। आई गेस वी आर द फर्स्ट वंस जो हम इसे पहली बार देख पा रहे हैं। वाओ, इतनी परफेक्ट अनपैकिंग मैंने कभी नहीं की है इस चैनल पे। मेरे से पहले मैं चाहती हूँ तुम लोग देखो। क्या है, एक हैट। मेरे को एक हैट चाहिए थी, इतनी गर्मी हो रही है। ये इस ड्रेस के साथ भी जा रहा है। वाओ सो नाइस, पे लोगो भी है अर्बैनिक का। वी हैव अ स्पेशल नोट फ्रॉम अर्बैनिक एज वेल, इसे हम एकांत में शांति से पढ़ेंगे बाद में। ये कुछ हैवी सा लग रहा है। ओके देखा, मैं अपना आपको रोक नहीं सकती, अगर तुम मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हो आई जस्ट वेयर इट इमीडिएटली। यू आर सोनिया, यू आर फैशनेबल, यू आर स्टाइलिश। मस्त है यार ये हुडी, काफी अच्छी है। मैं एयरपोर्ट पे हमेशा ठंड में मरती हूँ, दिस इज गोना कम इन हैंडी। सो वी गॉट द एक्सक्लूसिव मर्च फ्रॉम अर्बैनिक। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे इस सबसे बड़े बॉक्स को खोलने की, जो मैंने खोले, अरे फिसल रहा है मेरे हाथ से लिटरली। Wow! So many clothes! Oh my god! Crazy! सबसे पहले मेरे पास बहुत ही प्यारे कलर में एक कोऑर्डिनेट सेट। आई लव कोऑर्डिनेट सेट। सो सबसे पहले मेरे को ये स्कर्ट मिली है जो कि मुझे आराम से फिट आ रही है। आई लव दिस रफल डिटेलिंग एज वेल। ये वाला ट्रेंड आजकल काफी चल रहा है ना। आई एम ग्लैड कि अर्बैनिक सॉर्ट ऑफ नोज माय स्टाइल। आगे से उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, ये मेरे को परफेक्टली फिट आया है। मैचिंग टॉप, दिस इज क्रेजी। आई लव द फिटिंग, इतना अच्छा बॉडी हग कर रहा है मेरे को। एंड ये बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक पिंटरेस्टी लुकिंग है। आई लव दिस होल थिंग। बेस्ट पार्ट मुझे लगी इसका फैब्रिक, इसका मटीरियल। अभी इतनी गर्मी है, मेरे को लगता है कि ऐसे ब्रीदेबल वाले फैब्रिक हमें चाहिए अपने क्लोथिंग में। एंड मेरे को स्कर्ट तो बहुत ही ज्यादा क्यूटेस्ट लगी, ये ऐसे हाईलो वाली है। एंड कोऑर्डिनेट सेट्स में अगेन ये फायदा तो होता ही है कि हम बाद में इन दोनों पीसेस को डिफरेंट यू नो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीसेस है हमारे वार्डरोब में उनका स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वाले पीसेस निकाल सकते हैं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। आई कांट वेट कि मैं अपने नेक्स्ट वेकेशन पे इसको स्टाइल कर पाऊँ। मुझे दिखी है बहुत ही प्यारी रोज रेड कलर में, बहुत ही लॉन्ग ड्रेस। एंड बेस्ट पार्ट इसकी इसके पीछे जिपर है, दैट्स जस्ट मेक द होल प्रोसेस ऑफ वेयरिंग योर ड्रेस सो मच सिंपलर। मतलब तुम इतने आराम से उसमें से घुस जाते, मुझे ऑलरेडी इसका फिट पता चल रहा है। इट लुक्स नाइस। ओके ओ माय गॉड, मैंने ऐसी वाली ड्रेस, छोड़ो ऐसा वाला स्टाइल कभी नहीं पहना है। एंड आई जस्ट फील myself like this is the dress। मेरे को इसके straps आराम से fit आ गए, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को adjust करने की ज़रूरत है। I just love the color। ये जो rouge detail है, I love this satiny feel। and पीछे से we have a cut। जो ये वाला style है ना, पीछे cut वाला slit वाला, ये पहले चलता था। like मैंने पुराने heroes and models को बहुत ज़्यादा देखा है। and this is back। ये dress ऐसे लग रहा है कि ये coordinate set है, but it's all attached। in fact ये top जैसी feeling भी दे रहा है, but it's all stitched and this is just amazing। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे prom पे ले जाए। I am ready। मेरे को बहुत ही प्यारी green satiny pleated fabric में एक skirt दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा lightweight है यार। and ये भी आराम से fit हो गई। अरे वाह यार, how is this possible? Usually मेरे को बिल्कुल भी कपड़े fit नहीं आते, but इसमें अभी तक टच वुड हमें सब फिट आ रहा है। इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉप है, ये भी प्लीटेड फैब्रिक में है, लेकिन एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। yep, so as you can see, ये एक्चुअली में एक ट्विस्टेड टॉप है। इसके साथ सिमिलर में हमारे पास स्कर्ट भी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कलर तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड ये मेरे को एज अ लाइक यॉट या फिर ऐसे बीच वेकेशन टाइप वाली वाइब बहुत बहुत ज्यादा दे रहा है। एंड इफ यू फील कि तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा रिवीलिंग है, तो तुम एक यू नो कवर अप या फिर एक जैकेट शर्ट कुछ कैरी कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगा। Style it in your own way, just call it your own। Overall ये मेरे को बहुत ही lightweight आ रहा है, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने कपड़े पहने हुए, वरना बहुत ही भारी फील होता है। I do not like that feeling। ये बहुत ही हल्का, it's very summery and इसका
इसका बैक कुछ इस तरीके से यहाँ पे से बहुत ही मोटा थिक इलास्टिक दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि इट विल जस्ट फॉल ऑफ. ये बहुत ही अच्छा ग्रिप दे रहा है मेरे को, सो दैट्स सॉर्ट ऑफ नाइस. आई रियली लाइक इट. ये बहुत ही ज़्यादा मेरे पर्सनल स्टाइल से मैच होते हुए आउटफिट था, मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है कि करके ट्राई करने में. ये सारे कपड़े ट्राई करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने खुद पर्सनली अर्बेनिक ऐप पर ये वाले कपड़े नहीं देखे, तो आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड आई रियलाइज़ कि बॉक्स पे ही लोगो नहीं, उनके ऐप पर भी लोगो चेंज हो गया. एंड नाउ इट्स मोर ईजियर टू नेविगेट थ्रू दी होल ऐप, एंड कलेक्शन भी न्यू आया है एंड वो हम बाद में चेक करेंगे. बट मूविंग ऑन दिस कोऑर्डिनेट सेट, दिस इज सो क्यूट. ये अगेन मेरे को थोड़ा बीच यू नो वाइब दे रहा है, क्योंकि ये हल्का नहीं, ये काफ़ी ट्रांजी है, तो तुम इसके अंदर बहुत ही क्यूट ऐसे स्विम वेयर या फिर बीच वेयर बिकीनी कुछ पहन सकते हो, एंड ऊपर से ऐसा कवर अप भी हो जाएगा, तो इट्स काइंड ऑफ क्यूट दैट वे. इसकी स्लीव इतनी प्यारी है, ये बहुत ही हल्का प्यारा सॉफ्ट सा फैब्रिक है. इसकी शॉर्ट्स भी बहुत ही क्यूट है. अभी तो मैंने ब्लैक पहन रखा है, बट आई गेस इसके अंदर वाइट कैमी एंड वाइट बिकीनी या फिर शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है. प्रॉपर मेरे को ये बार्बी डॉल वाली फील दे रहा है, एंड आई जस्ट लिव फॉर दैट. लिटरली मेरे को ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे पास एक जादू का पिटारा आया है. एंड मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट वाली स्कर्ट नहीं है, ये है एक स्कर्ट. आई लव स्कर्ट, इल्यूजन देता है कि तुमने स्कर्ट पहन रखी है आगे से पीछे से, बट अंदर से तुम्हारे पास मस्त सपोर्ट भी है. ऊपर से एक रैपअप भी दे रखा है, ये बहुत ही प्यारी क्यूट लिटिल डिटेलिंग लग रही है मेरे को. बिल्कुल परियों वाला टॉप भेजा है मेरे को अर्बेनिक में. दिस इज लुकिंग सो हेवनली. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ मोमेंट. ये इतना शाइनी, इतना स्पार्कल कर रहा है. आई गेस ये वीडियो में इतना नहीं कर रहा है, बट अभी धूप पड़ रही है इस पर. Yes, ये इस शॉर्ट्स के साथ भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुकिंग लग रहा है. अगेन ये मेरे को प्रॉपर बारबी वाली वाइब दे रहा है. ये काफ़ी कंफर्टेबल है. पीछे से ये बैकलेस है लाइक दिस, तो आई गेस यू कैन वेयर योर पेस्टीज एंड यू विल बी जस्ट गुड टू गो. अदरवाइज तुम एक न्यूट कलर के ऐसे स्ट्रैपलेस ब्रा भी पहन सकते हो. सी कुछ पता नहीं चल रहा है आगे से फिलहाल. एंड बहुत ही ऐसे हल्की सी ऐसे चेन दे रखी है सपोर्ट के लिए. ये बहुत ही ज़्यादा हल्का टॉप है एंड ये चुभ नहीं रहा है, कंसिडरिंग इस पर राइनस्टोन्स लगे हुए ऑल ओवर. इट्स वेरी सॉफ्ट. ये सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है ऐसे लाइक ब्लिंगी, बहुत ही आउट देयर टॉप एंड बहुत ही लाइक ऐसे कैजुअल स्कर्ट. इट्स सो प्रिटी, इट्स सो परफेक्ट. तो हमें एक ये वाली स्कर्ट भी निकली है पैकेज में, एंड ये प्रॉपर जैसे बीच पे नहीं पहनते हैं वैसी वाली वाइब दे रहा है. एंड ये इस टॉप के साथ भी जा रहा है. तो फॉर एग्जांपल तुमने सुबह इस स्कर्ट के ऊपर बिकिनी पहनी हुई है, लेकिन शाम को यू चेंज इनटू दिस टॉप एंड तुम्हारा लाइक बीच पार्टी वाला लुक बन गया. इट्स सो ग्लैम्ड अप येट कम्फी कैजुअल एंड गिविंग बीच वाइब, इज जस्ट सो परफेक्ट. ऑल्सो ये स्कर्ट बहुत ही ज्यादा कम्फी है. ऑब्वियसली इसमें यू नो रूज डिटेलिंग है, तो इट्स यू नो ट्रांसपेरेंट, तो यू हैव टू वेयर समथिंग इनसाइड एंड नाउ चॉइस इज ऑल योर्स. तुम इसके शॉर्ट स्कर्ट या फिर बिकिनी भी पहन सकते हो, बहुत ही मस्त लगने वाला है. एंड ये टॉप के साथ कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. आई जस्ट लव द वाइब, बिल्कुल ऐसे लेडी लाइक वाली फीलिंग आ रही है. वाह मस्त. फाइनली हमारे पास एक जंपसूट भी निकल गया है. पीछे बहुत ही छोटी सी जिपर दे रखी है. आई वाज थिंकिंग यार हर तरीके का आउटफिट निकल गया, स्कर्ट ड्रेस टॉप व्हाट नॉट, जंपसूट कब निकलेगा. एंड तभी एक जंपसूट भी आ गया, ये ब्राउन कलर में. ये काफी मेरे को टाइट फिट लग रहा है, व्हिच इज नाइस. आई लव फिटेड क्लोथ्स. ये बहुत ही ज्यादा क्यूट कॉर्से वाइब दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि मैंने टॉप पहन रखा है, नीचे पैंट है, बट नो इट्स अ जंपसूट, इट्स एन अटैच्ड थिंग. एंड अगेन अगर तुम्हें थोड़ा रिवीलिंग लगे तो तुम इसके ऊपर ब्लेजर तक भी पहन सकते हो या फिर कोई कवर अप जैकेट शर्ट व्हाटएवर हाउएवर यू वांट टू स्टाइल इट. ये मेरे को बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड फेमिनिन वाइब दे रहा है. आई लव ये जो शीयर फैब्रिक आ रहा है स्टमक पे, आई जस्ट लव दिस थिंग सो मच. इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, आई लव इट. इट जस्ट हग्स मी फ्रॉम ऑल द राइट एंगल्स. आई लव दिस थिंग अबाउट इट. मेरे को इसका ये नेक बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगा. आई एम सॉरी, इस पे फ्लोरल मैश डिजाइन बना हुआ है, मतलब सारी वो चीजें हैं जो मुझे पर्सनल फेवरेट है. ये ब्राउन कलर में आई गेस ये बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. शुभ काम में क्या दे रही. आओ इस वाले को भी खोल ही लेते आराम से. आज जितने भी कपड़े निकल रहे हैं मिस्ट्री बॉक्स में से, उनके फैब्रिक मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे. इतने हल्के, इतने ब्रीदेबल है. एंड ये एक स्कर्ट निकली है जिसमें ऐसे डुअल टोन दे रखा है, ब्लैक एंड बर्गंडी कलर. लेकिन इसके ऊपर हमें एक मैचिंग टॉप भी मिला है. सी ये थोड़ा ऐसे सी थ्रू टाइप भी है, ये बहुत ही ज्यादा पतला है. सारे आउटफिट मेरे को एक वेकेशन की याद दिला रहे हैं, अरे यार. एंड आई एम रेडी. मैंने इसके अंदर जो स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी हुई थी वो आराम से मतलब सही लग रही है, तो मेरे को सपोर्ट भी मिल रहा है. एंड वो ब्लैक पता नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट गोइंग विद द होल टॉप. एंड ये ओवरऑल कुछ इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लीक स्टाइलिश एंड यू नो
थोड़ा हेड टर्नर वाला आउटफिट है ये. वैसे बहुत ही सिंपल है एज इन की इस पर कोई प्रिंट वगैरह नहीं है, बट इसका कट, इसका स्टाइल, इसका फिट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहाँ से लिया है ये. इट्स फाइनली टाइम टू पार्टी. मेरे पास है बहुत ही प्यारी ऐसे ब्लिंगी राइनस्टोन वाली स्कर्ट. वाओ, इस पे इलास्टिक दे रखा है एंड इट्स काफी यू नो स्ट्रेचेबल एंड कम्फी, मेरे को आराम से फिट आ गई हो. वाओ, हमारे पास ये एक सिल्वर जैकेट भी आई है जो कि बहुत ही ऐसे पतले फैब्रिक में है, तो स्टाइल इसका जैकेट टाइप है, लाइक ये दिखने में जैकेट लग रही है. तुम्हारी चॉइस है, तुम इसको ऐसे ओपन भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज इसमें बटन्स भी हैं, तुम इसे बंद भी कर सकते हो. यू नो ये मेरे लिए परफेक्ट आउटफिट है क्योंकि हमेशा पार्टी में जाते हुए ना मेरे को आफत आ जाती है, ऐसा लगता है कि सारी ड्रेसेस पहन लिए अब क्या पहनूँ. एंड ऐसे दो पीसेज हो ना थोड़े शाइनी ब्लिंगी वाले, तुम इसको मिक्स मैच करके बहुत ज़्यादा न्यू वाले आउटफिट्स बना सकते हो, या फिर ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. बस बेसिक्स पहनो अंदर एंड ऊपर ब्लिंगी एंड यू आर रेडी टू शाइन इन द पार्टी. मूविंग ऑन, मेरे को ये टॉप निकला है, तुम्हें लग रहा हो कि यार ये कितना ही सिंपल लुकिंग ट्यूब टॉप है येलो कलर में, लेकिन इसके साथ आया है ये अटैच्ड फ्लावर चोकर कुछ इस तरीके से. दिस इज सो सरप्राइजिंग. सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ये मेरे को पू वाइब दे रहा है, करीना कपूर वाइब्स. ये बहुत ही बड़ा फ्लावर, आई लव दिस. ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड इसमें ये फायदा है कि ये ना ऐसे पीछे से अटैच्ड है, तो तुम्हें ऐसे टाई नहीं करना, कुछ नहीं करना. इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल, ऐसे नहीं हो रहा कि बिल्कुल तुम्हें यू नो मारने की कोशिश कर रहे हैं. नो, काफ़ी गुड इनफ स्पेस दे रखा है, लेकिन तुम चाहते हो तो इसको यू नो डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो, एक आगे एक पीछे या फिर दोनों पीछे, हाउ एवर यू लाइक इट. एंड इवन विद बेसिक शॉर्ट्स ये जा रहा है एंड अगेन तुम इसको तो कैसे भी कर ही सकते हो. दिस इज सो प्रिटी, आई लव इट. बहुत ही ज़्यादा रेड, लाइक प्रॉपर रेड, रेड वाले कलर में एक ड्रेस आई है एंड आई थिंक इसको ऐसे इट्स लाइक हॉल्टन है. वाओ, ये मेरे को बिल्कुल सेनोरिटा वाली वाइब दे रही है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्टली आई है. ये पीछे से ऐसे बैकलेस है एंड पीछे टाई भी दे रखा है. ये ऐसे हाई लो में है, अगेन रफल डिटेलिंग ऑल ओवर है. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और ऐसे यूनिक पीस सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे डांस या फिर ऐसे क्लब पार्टी करने के लिए मैं तैयार हूँ इस ड्रेस में. ऑल्सो इसका इतना प्यारा रेड कलर एंड इसको भी तुम काफ़ी वेज में स्टाइल कर सकते हो. लाइक आजकल मतलब पहले बहुत चलता था बट अभी दोबारा ट्रेंड वापस आ गया, तुम इस ड्रेस को जीन्स शॉर्ट्स वगैरह के साथ भी पहन सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा कूल और यूनिक लगता है एंड ये एज इट इज़ भी बहुत प्रिटी लग रही है. नेक्स्ट, बहुत ही प्यारी ऐसे वाइट कलर में ड्रेस निकली है. इट्स शॉर्ट, ओके. इसके स्लीव्स पे देखो ऐसे नॉट बंधे हुए हैं, काफ़ी ऐसे डिटेलिंग पे ध्यान, आई लव दैट थिंग. एंड ये फ्रंट से कुछ ऐसे नहीं है, एक्चुअली ऐसे कॉर्सेट स्टाइल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सारे ऐसे हुक्स दे रखे. हमें टाइम लगने वाला है इसको बंद करने में, 1 2 तो सारे हुक्स बंद करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही है एंड इससे पता चलता है कि ये काफ़ी डीप नेक वाली ड्रेस है. सो यू हैव टू वेयर योर लॉन्जरी अकॉर्डिंगली, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये हल्का सा जो ब्लैक इफेक्ट आ रहा है ये भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है. तो आई एम काइंड ऑफ फीलिंग यू नो सेफ एंड सिक्योर एंड कम्फर्टेबल दैट वे. यहाँ से बहुत ही अच्छा सेंच आ रहा है वे, इसको बिल्कुल ऐसे कॉर्सेट स्टाइल वाइब दे रखी है एंड ऐसे फ्लेयर वाली ड्रेस है जिसके अंदर लाइनिंग है, सो इट्स नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट एंड विल बी कम्फर्टेबल, दैट्स नाइस. तो उन्होंने मेरे को ऐसे पीच कलर में एक जैकेट भेजा है. ये बहुत ही ऐसे लाइक हल्के फैब्रिक की है, जैसे विंडशीटर जैकेट्स नहीं आती, प्रॉपर वैसे वाली वाइब है इसकी. ये मेरे को बिल्कुल क्यूट स्पोर्टी साइकिलिंग वाइब दे रहा है. इट्स जस्ट सो नाइस, आई लव कि डिफरेंट डिफरेंट एस्थेटिक्स मिलकर भी कितनी प्यारी वाइब बना देते हैं. वाओ, ये ड्रेस मेरे को नॉर्मली भी अच्छी लग रही थी बट ये जैकेट के बाद भी कितनी प्यारी लग रही है. जैकेट्स का ये फायदा होता है स्पेशली ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स का कि तुम उसको किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, जीन्स स्कर्ट्स ड्रेसेस. हाउ एवर, टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट काउंट कि मैंने आज की वीडियो में कितने आउटफिट्स ट्राई करे. क्या तुमने ट्रैक रखा है? अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में. ऑल्सो आई लव ईच एंड एवरी आउटफिट जो मैंने आज ट्राई करा है, स्पेशली उनका फिट, क्योंकि बहुत ही रेयर केस होता है कि मुझे कपड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं. सो थैंक्स टू ऑर्गेनिक मेरे को न्यू स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स ट्राई ऑन करवाने के लिए एंड आई ट्राई टू गेट देयर लिंक्स एंड पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो तुम खुद के लिए भी यू नो शॉप कर सकते हो. एंड तुम मुझे बताओ कि आज की वीडियो में से तुम्हारा फेवरेट लुक या फिर आउटफिट कौन सा था इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.